नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी। आज मैं आप लोगों के साथ अक्षय तृतीया की व्रत कथा की वीडियो शेयर करने जा रही हूं। अक्षय तृतीया शुक्रवार यानी 14 मई को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा पाठ करने से मिलने वाला फल हमेशा बना रहता है। यही नहीं, दान दक्षिणा देने से घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि और व्रत कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया वर्ष की सबसे शुभ दिनों में से एक है। संस्कृत में अक्षय का अर्थ शाश्वत है और तृतीया का अर्थ शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन यानी कि पूर्णिमा के चरण से है। अक्षय तृतीया को देश के कुछ हिस्सों में आखा तीज के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पूजा के लिए मुहूर्त या शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। पूरे दिन में कभी भी इस पूजा को किया जा सकता है। यह व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु, लक्ष्मी, श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। व्रती को इस दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान करना चाहिए और विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। तुलसी दल चढ़ाकर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से उनकी पूजा करना चाहिए। भीगे हुए चावल की दाल का भोग लगाना चाहिए, इसमें मिश्री और तुलसी दल भी मिला लें। फिर भक्तों में प्रसाद वितरित करना चाहिए भगवान की प्रिय वस्तुओं का। तो अब हम सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में महोदय नामक एक बनिया रहता था, जो सत्यवादी, देव और ब्राह्मणों का पूजन तथा सदाचारी था। वह प्रायः दुखी और चिंतित रहा करता था, क्योंकि उसका परिवार बहुत बड़ा था और आमदनी बहुत कम थी। एक दिन उसने रोहिणी नक्षत्र में वैशाख शुक्ल पक्ष में तृतीया के महात्म के बारे में सुना कि इस तिथि को जो भी दान किया जाता है वो हमेशा अक्षय होता है। यह जानकर उसने गंगा स्नान किया और पितृ एवं देवताओं का तर्पण किया। फिर घर आकर देवी देवताओं का विधिवत पूजन किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के रूप में जौ, गेहूं, घड़ा, पंखा, सोना शक्ति अनुसार शुद्ध मन से प्रदान किया। यद्यपि उसकी पत्नी ने इस दान का विरोध किया, लेकिन वह धर्म कर्म से विमुख नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि दूसरे जन्म में वह कुशावती पुरी नामक राज्य का राजा बना और धन संपन्न हुआ। उसने संपन्नता के बल पर बड़े बड़े यज्ञ पूरे किए, गौदान, स्वर्ण दान दिए, अपनी इच्छा अनुसार भोगों को भोगा, अनेक दिन दुखियों को धन देकर संतुष्ट किया। फिर भी उसके धन का कभी भी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास का धन अक्षय भंडार था। अक्षय तृतीया को श्रद्धा पूर्वक दान का ही यह सब फल उसे मिला था, इसलिए हिंदुओं में इस व्रत का बहुत ही महत्व है। तो दोस्तों, यह है अक्षय तृतीया की व्रत कथा। तो अगर आप लोगों को मेरी यह व्रत कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैप्पी अक्षय तृतीया।